देखो मैंने अपना बॉडी बिल्डिंग जर्नी टीनेज में ही स्टार्ट कर दिया था। मैंने अपना फर्स्ट वर्कआउट अराउंड 13-14 साल की उम्र में ही स्टार्ट किया था। एंड आजकल मैं काफी सारे लड़कों को देखता हूँ कि वो लोग भी 14-15 या फिर 16 साल की उम्र में जो है ना जिम ज्वाइन कर लेते हैं या फिर अपना फिटनेस जर्नी अपने होम वर्कआउट से ही स्टार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल ही अच्छा चीज है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने भी अपना फिटनेस जर्नी एज ए टीनेजर ही स्टार्ट किया था एंड अभी भी मैं करेंटली टीनेजर ही हूँ। मेरा करेंट एज है 18। जब मैंने अपना वर्कआउट जब स्टार्ट किया था ना, तब मैं अराउंड 13 या 14 साल का था और मैं उस टाइम ऐसा दिखता था। एंड अभी करेंटली मैं 18 साल का हूं और मैं अभी कुछ ऐसा दिखता हूं। मैंने काफी ज्यादा अपना मसल साइज एंड स्ट्रेंथ गेन किया है। बट वहीं कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो कि टीनेजर है एंड उन्होंने भी मेरे साथ ही वर्कआउट स्टार्ट किया था, लेकिन उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि एज ए टीनेजर उन्होंने कुछ गलतियां की। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वही गलतियां बताने वाला हूं जो कि एज ए टीनेजर आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। सो मेरे भाई, अगर तुम भी एक टीनेजर हो, सो इन 5 गलतियों को कभी भी मत करना अगर तुम्हें भी अगर मसल बिल्ड करना है जल्दी। तो इसमें से जो सबसे टॉप वाला गलती है ना, उससे तो आपको बिल्कुल ही दूर रहना है, क्योंकि उसके वजह से आपका प्रोग्रेस बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा। तो वो मैं आपको सबसे आखिरी में बताऊंगा। नंबर 1 मिस्टेक, इनकरेक्ट फॉर्म। देखो मेरे भाई, मैं काफी सारे लड़कों को देखता हूं ना जो कि टीनेजर होते हैं एंड वो लोग जिम आते हैं एंड वो लोग कैसे भी वो लोग जो वर्कआउट करते हैं। क्यों? इसका 2 रीजन होता है। नंबर 1 कि वो एंबैरेसमेंट से ट्रेनर से कुछ भी नहीं पूछते हैं एंड वो लोग एक गुड फॉर्म वो लोग जो परफॉर्म नहीं करते हैं। नंबर 2, ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में वो लोग YouTube वीडियो से देख करके आते हैं करेक्ट फॉर्म सीखने के लिए एंड वो लोग खुद ही उसे परफॉर्म करते हैं। बट मेरे भाई, अगर तुम एक बिगिनर हो तो अपने फॉर्म पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम्हारा फॉर्म सही होगा तभी तुम्हारा मसल बिल्ड होगा। सो मेक श्योर कि बिना शर्माए बिना लजाए अपने ट्रेनर से जो पूछा करो कि भाई मैं फॉर्म में सही कर रहा हूं कि नहीं, क्योंकि आप वहां पे जो है पैसा आप दे रहे हो। और ये बेसिक चीज है कि आप जो ट्रेनर से जरूर से अपने फॉर्म को जो है ना करेक्ट करा रहे हो। फॉर्म पूछने का आपको अलग से आपको कोई भी आपको चार्जेस नहीं लगता है, बट बेनिफिट ये है कि अगर आप एक सही फॉर्म में अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपका बॉडी बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। सो इस मिस्टेक को कभी भी मत करना कि आप जो इनकरेक्ट फॉर्म में आप जो सिर्फ और सिर्फ आप वर्कआउट कर रहे हो। देखो एज ए टीनेजर अगर तुम अगर गलत फॉर्म में अगर वर्कआउट करोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जो है ना ज्वाइंट में सिर्फ और सिर्फ पेन होगा, तुम्हारे उस पर्टिकुलर मसल पे लोड नहीं जाएगा एंड वो जो ग्रो नहीं होगा, क्योंकि तुमने उसे अच्छे तरीके से टारगेट ही नहीं किया है। सो एज ए टीनेजर ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने फॉर्म को करेक्ट करो, चाहे अपने ट्रेनर से पूछो, चाहे अपने जिम वाले दोस्त से पूछो या फिर YouTube वीडियो ही देखो, लेकिन जिम में आकर के किसी ना किसी से जरूर से ही राय लेना कि मैं सही मार रहा हूं कि नहीं। सेकंड मिस्टेक, लिफ्टिंग टू हेवी टू सून। देखो मेरे भाई, ये गलती जो है ना मैंने भी किया है। जितने भी बिगनर भाई होते हैं, टीनेजर भाई होते हैं ना, ये गलती जरूर से ही करते हैं। वो लोग जिम में जाते हैं एंड देखते हैं कि भाई बगल वाला इतना वेट मार रहा है तो मुझे भी मारना है, मुझे भी अपना ताकत दिखाना है, मुझे भी अपना दिखाना है कि मैं कितना मैं पावरफुल हूं, और वो भी कॉपी कर करके उतना ही वेट उठाने के लिए चले जाते हैं। ये होता है मेरे भाई ईगो लिफ्टिंग। अगर आप दूसरे को देख करके अगर आप जो उसी वेट को अगर उठाने के लिए जाओगे तो मेरे भाई आपको इंजरी फॉर श्योर होगा। भाई साहब देखो, जिम जो है ना वो हमें बहुत ही होशियारी से हमें परफॉर्म करना होता है। ये नहीं कि आप जिम गए, आप किसी को भी आप जो कॉपी कर रहे हो, क्योंकि मैं काफी सारे लड़कों को देखता हूं वो लोग जो है ना वर्कआउट से लेके एवरीथिंग, मतलब वो वर्कआउट में कितना वेट उठा रहा है वो भी जो कॉपी करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे ही व्यूअर्स वो लोग मुझे देखते हैं कि भाई जो है चेस्ट वर्कआउट कर रहा है, तो मैंने वीडियो में अगर टोटल अपना अगर चेस्ट वर्कआउट दिखाया तो वो जो है ना चेस्ट वर्कआउट तो मैं फॉलो करेंगे ही, लेकिन मैंने जितना वेट उठाया ना वो शायद जाकर के वो भी गलती करे, वो भी शायद वही वेट उठाने का कोशिश करें। तो इसीलिए मैं अपने वीडियोस में जो है ना मैं कितना मैं वेट में मार रहा हूं वो मैं ज्यादातर मैं मेंशन में नहीं करता हूं, क्योंकि अगर मेंशन में करूंगा ना तो शायद आप भी जाकर के सेम कॉपी पेस्ट करने लग जाओ। उससे ये होगा कि आपके उस मसल पे तो लोड नहीं आएगा लेकिन आपके इंजरी का चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एज अ बिगिनर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा ही वेट आपको सेलेक्ट करना है ना जिससे कि आप आराम से 8 से 12 रिपीटेशन इन गुड फॉर्म आप जो परफॉर्म करो। क्योंकि जो मैंने आपको जो पहला जो आपको मिस्टेक बताया ना इनकरेक्ट फॉर्म, ये मेरे भाई ज्यादातर जो है ना ईगो लिफ्टिंग के कारण होता है, क्योंकि लोग जो है ना कॉपी करने लग जाते हैं। अगर बगल वाला अगर 50 केजी अगर उठा रहा है तो शायद तुम्हारे अंदर भी चुलाएगा कि नहीं मुझे भी 50 केजी उठाना है, मैं भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूं। बट मेरे भाई समझो, वो शायद कर रहा होगा 5 साल से ट्रेनिंग और तुम्हें अभी ज्वाइन किए हुए अभी 1 वीक भी नहीं हुआ है। सो अपने अंदर पेशेंस रखो, धैर्य रखो और धीरे धीरे प्रोग्रेस करना। एक टाइम आएगा जब तुम भी 50 किलो उठाओगे वो भी इजिली, बट शुरू में ये मिस्टेक नहीं करना जो कि है लिफ्टिंग टू हेवी टू सून। मिस्टेक नंबर 3, निगलेक्टिंग वार्मअप्स एंड कूल डाउन्स। देखो मेरे भाई, ये चीज तो मैंने काफी ज्यादा ऑब्जर्व किया है कि जिम में लड़के आते हैं ना तो वो लोग ना ही वार्मअप करते हैं ना ही कूल डाउन करते हैं। देखो कूल डाउन मैं भी नहीं किया करता था, वार्मअप तो मैं हमेशा से ही मैं करते आ रहा हूं, लेकिन कूल डाउन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एक एक करके दोनों हम लोग समझते हैं। देखो जिम में एंटर करते के साथ ही वेट्स के साथ खेलने मत लग जाया करो। सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, वार्मअप, थोड़ा बहुत अपने बॉडी को जो है ना हीटअप करो। फॉर
एग्जाम्पल आज तुम्हारा चेस्ट डे है एंड तुम्हें जो सबसे पहले वार्म अप करना है, तो तुम्हें जो है ना मेरे भाई हिंदू पुशअप तुम जो लगा सकते हो या फिर तुम जो है ना नॉर्मल पुशअप्स लगा सकते हो, थोड़ा सा मोबिलिटी वर्क करो जिससे कि आपके जो है ना जॉइंट्स, आपके चेस्ट के पेक्टोरियल मसल थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद भी आपको जो है ना डायरेक्ट आपको वेट लिफ्टिंग आपको नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका पहला वर्कआउट जो है ना बारबेल बेंच प्रेस है, तो आपको सबसे पहले आपको खाली रॉड से आपको जो है ना वार्म अप करना है, क्योंकि मेरे भाई ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वार्म अप सिर्फ और सिर्फ आपका जो है वेट से अलग ही नहीं होता, आपको वेट्स के साथ भी जो है ना आपको वार्म अप एक्सरसाइजेस को आपको परफॉर्म करना है, ताकि आपकी बॉडी को पता चल जाए कि हाँ भाई अब जो वेट बढ़ने वाला है, पहले हम लोग इस फॉर्म को हम लोग पूरी तरीके से हम लोग समझ लेते हैं, पेक्टोरियल मसल यानी कि आपका चेस्ट मसल जो रेडी हो जाएगा। और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दिया चेस्ट का, वैसे ही बैक में आप जो पुलअप से आप स्टार्ट कर सकते हो एंड मोबिलिटी वर्क तो आपको हमेशा ही करना है। अनदर थिंग जो कि होता है कूल डाउन, वर्कआउट के बाद भाई थोड़ा सा जो है ना कूल डाउन करो। कूल डाउन में मोस्टली आप जो यार स्ट्रेचिंग कर सकते हो या फिर आप जो ट्रेडमिल पे स्लो वॉक आप जो कर सकते हो, जिससे कि आपकी बॉडी जो है ना रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि काफी सारे लोग जो है ना वर्कआउट करते हैं एंड डायरेक्ट निकल जाते हैं, फिर आप जो है ना बिल्कुल ही स्टिफ हो जाओगे, मतलब आप पूरा अकड़ के आप जो रहोगे, और आई थिंक वो बॉडी किसी को भी नहीं पसंद आता है, बिल्कुल ही बाउंसर टाइप आप जो अकड़ के रहते हो। सो आपके बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी रहे इसके लिए आपको जो है ना लास्ट में स्ट्रेचिंग यानी कि कूल डाउन भी आपको करना चाहिए। एंड ये खास करके मैंने गलती बहुत ही ज्यादा किया था, मेरे बाइसेप्स वगैरह बिल्कुल ही अकड़ गए थे, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से मैं जो है ना कूल डाउन में नहीं कर रहा था। एंड वार्म अप तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर इंजरी फ्री अगर रहना है तो वार्म अप जरूर से ही करना है एज ए टीनेजर। मिस्टेक नंबर 4, पुअर न्यूट्रिशन। देखो मेरे भाई आप चाहे कितना भी आप जो हार्डकोर आप वर्कआउट कर लो, चाहे आप जो आर्नोल्ड या फिर सीबम का ही आप जो वर्कआउट कर लो, अगर मेरे भाई अगर आपका न्यूट्रिशन अगर सही नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ आप गधा मजदूरी आप जो जिम में करते रहोगे। देखो एज ए टीनेजर आपको अगर बॉडी बनाना है ना, तो मेरे भाई आपको न्यूट्रिशन पे आपको बहुत ही ज्यादा आपको फोकस करना होगा। चलो वर्कआउट को 2 सेकंड के लिए भाई साइड भी कर दो, लेकिन अगर आपका अगर न्यूट्रिशन अगर सही है ना, तो मेरे भाई आपका मसल ग्रोथ, आपका हेयर ग्रोथ, आपका स्किन, सब कुछ आपका जो बहुत ही बेटर होगा। सो मेक श्योर कि आप जो न्यूट्रिशन पे आप बहुत ही ज्यादा आप जो ध्यान दे रहे हो। देखो मेरे भाई अब न्यूट्रिशन पे ध्यान देने का मतलब क्या हुआ, अगर आप वर्कआउट करके आ रहे हो और उसके बाद ही आप अपने दोस्त के साथ अगर आप मोमो पिज्जा बर्गर आप ये सब चीज अगर आप खाने के लिए अगर जा रहे हो, तो मेरे भाई आपकी बॉडी भी नहीं बनेगी और उल्टा आपका हेल्थ भी खराब होगा। मेक श्योर कि आपकी डाइट बिल्कुल ही क्लीन हो। सबसे पहले अपने डाइट को जो है क्लीन करो, प्रोटीन वगैरह बात की चीज है, सबसे पहले अपने डाइट को क्लीन करो। अगर आप रिफाइंड ऑयल, फास्ट फूड, अगर आप ये सारी चीजों को अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हो और आप जो वर्कआउट कर रहे हो, तो मेरे भाई ये जो है ना आपके हार्ट के लिए भी बहुत ही ज्यादा खतरा है। आपको सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एज ए टीनेजर अपने डाइट को जो है क्लीन करना है। क्लीन करने का मतलब मोस्टली घर का खाना खाओ, जितना हो सके ना घर का खाना खाओ। देन हम लोग आते हैं भाई सेकेंड फैक्टर पे, जो कि है मसल बिल्ड करने के लिए। तब मेरे भाई अब आपको जो है ना अपने प्रोटीन पे भी आपको फोकस करना है, आपको अपना प्रोटीन इनटेक आपको बढ़ाना है। देखो अगर तुम 60 किलो के हो ना, तो तुम्हें 2 गुना प्रोटीन की भी उतना जरूरत नहीं है एज ए टीनेजर, एज ए बिगनर। तुम अगर 60 किलो के हो और अगर तुम अगर 90-100 ग्राम भी अगर तुम प्रोटीन खा रहे हो ना एज ए बिगनर, तो मेरे भाई शुरू में तुम्हें जो है ना काफी अच्छा रिजल्ट दिखने लग जाएगा। फिर धीरे धीरे जब टाइम होगा ना, तो अपने बॉडी वेट से 2 गुना अपना जो प्रोटीन रखने लग जाओ। और कार्ब्स का सोर्स तो हम इंडियन के घर में भर भर के है, वो भी हेल्दी कार्ब्स, जैसे कि राइस, चपाती, ये सारी चीजें हमें जो घर पे ही मिल जाता है। सो कार्ब्स का तो झंझट ही नहीं है। बाकी हेल्दी फैट्स के लिए तुम जो पीनट बटर ऐड कर सकते हो, या फिर अगर पीनट बटर अगर ज्यादा वो कॉस्टली लग रहा है, तो तुम यार सिंपली रॉ पीनट भी खरीद करके खा सकते हो। सो मोस्टली अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन रखो, वर्कआउट के बाद अच्छा क्लीन डाइट लो, अपने प्रोटीन इनटेक को थोड़ा सा बढ़ाओ, घर के खाने पे ज्यादा फोकस करो। मैंने शुरू के टाइम में सिर्फ और सिर्फ अपना घर के बॉडी से जो खाना बनाया था, उस टाइम तो मेरे पास वे प्रोटीन भी नहीं होता था, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं अंडे और चावल रोटी यही सब चीज में खा करके थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके मैंने अपनी बॉडी को रेडी किया था। सो ये था हमारा 4th मिस्टेक जो कि था पुअर न्यूट्रिशन। सो इसे अभी के अभी ठीक करो। ऑलराइट, सो अब बारी है हमारे लास्ट मिस्टेक का, जो कि है मिस्टेक नंबर 5, जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक है, जो कि है ओवर ट्रेनिंग। देखो शुरू शुरू के जोश में मैं जानता हूं कि आपको मन करेगा कि भाई मैं जो 6 के 6 दिन मैं जो जिम जाऊं, बट मेरे भाई ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। एज ए बिगनर, एज ए टीनेजर, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 4 बार जिम जाओ और मैक्सिमम 5 बार, कम से कम वीक में 2 दिन का तो मेरे भाई तुम जो रेस्ट लो ही लो। एंड कोई भी मसल को ट्रेन करने से पहले उसे 2 से 3 दिन का गैप जरूर से ही देना। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मंडे को अगर तुम जो चेस्ट मार रहे हो, तो उसे मेरे भाई आप जो थर्सडे फ्राइडे से पहले आप जो हिट अप नहीं करोगे, क्योंकि रिसर्चेज ऐसा बोलते हैं ना कि कोई भी मसल ग्रुप को वापस से रिकवरी लेने में कम से कम 48 से 72 आवर्स का गैप लगता है। सो मेक श्योर कि अगर तुम एक टीनेजर हो ना, तो कोई ऐसा स्प्लिट को फॉलो करो जिसमें कि तुम्हें 2 से 3 दिन का हर एक मसल ग्रुप का जो है ना रेस्ट मिल जा रहा है। एंड जैसा कि बताया,
ओवर ट्रेनिंग आपका ज्यादा दिन जिम जाने से भी होता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना फटीक हो जाती है। तो मेरे भाई आपको मोस्टली आपको फोकस करना है ना कि आप 4 से 5 दिन ही आप जो जिम जा रहे हो। एंड इसी को मैंने भी फॉलो किया, मैं ओवर ट्रेनिंग नहीं करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं जिम में वीक में मैं 3 दिन ही में जाता हूं। अब अगर आपको इसके ऊपर अगर आपको जानना है कि मैं किस तरीके से ट्रेनिंग करता हूं और आपको किस तरीके से करना चाहिए जिससे कि आपका जो है ना ओवर ट्रेनिंग ना हो और एज ए टीनेजर आप जो मसल आप जो जल्दी आप बिल्ड कर सको, तो मेरे भाई आप जो सिंपली इस वाले वीडियो को आप जो क्लिक करके देख सकते हो, इसमें मैंने आपको अपना इन डिटेल आपको बता रखा है। सो ऑल राइट गाइस, ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो। इसमें मैंने आपको टॉप 5 मिस्टेक्स बता दिए जो कि एज ए टीनेजर आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए अगर आपको भी अगर मसल बिल्ड करना है। तो टिल देन, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो पहले सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को जरूर से हिट कीजिएगा ताकि हम लोग कनेक्टेड रहे, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही नेचुरल बॉडी बिल्डिंग टीनेज बॉडी बिल्डिंग के ऊपर आपको वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। मैं आप सभी से मिलता हूं जल्द एक और न्यू वीडियो में। टिल देन, कीप हसल फॉर योर मसल एंड मेक श्योर फील द बर्न। बाय।